अंतरिक्ष को रहस्यों से भरी दुनिया कहा जाता है। अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। हालांकि इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्पेस में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में इंसान और वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे अंतरिक्ष से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्य जो आपकी होश उड़ा देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अंतरिक्ष की गंध कैसी है, आइए जानते हैं। जब आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता होगा कि अंतरिक्ष कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। पर कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि अंतरिक्ष की गंध कैसी है, क्या इसमें खुशबू आती है या फिर बदबू आती है। स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता और न ही ऐसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वह हमें गंध बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल और केवल स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से ही पता चलता है। जब उनकी जांच की जाती है तो तभी उनमें से आने वाली गंध को बताया जाता है। वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में कहा है कि आकाशगंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है, मतलब कि जो खुशबू किसी बेरी से आती है वही हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आती है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि आकाशगंगा के केंद्र में इथाइल फॉर्मेट बनती है जो खुद इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। नंबर 9, ऐसा ग्रह जहाँ केवल कांच की बारिश होती है। यह सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पर केवल और केवल कांच की बारिश होती है। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिसे देखकर आपको नरक की याद आ जाएगी। SD 1,89,733 B के नाम से जाने जाने वाला ये ग्रह हमारी धरती से 63 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये धरती पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। इस ग्रह पर कांच की बारिश होने का कारण सिलिका से बना एटमॉस्फेयर है। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसे सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो ये सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है। ये गोली की रफ्तार से भी तेज है। सोचिए कोई आपको इस ग्रह पर छोड़ दे तो आपका क्या हाल होगा। नंबर 8, अंतरिक्ष में जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसे धरती से ही निर्धारित मात्रा में खाना बनाकर भेजा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट अपने मुताबिक कुछ भी लेकर नहीं जा सकते और न ही वहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कितने वजन का खाना अपने साथ लेकर जाते हैं और ये कितने दिनों का खाना होता है। अंतरिक्ष में भोजन के लिए अनुमानित वजन 1.72 kg पर डे होता है, जिसमें 0.45 kg पैकेजिंग वजन भी शामिल है। अंतरिक्ष में जाने वाले खाद्य पदार्थों को आयनकारी रेडिएशन के संपर्क में आने से बचाया जाता है, इसीलिए इन्हें लचीली पन्नी के टुकड़े वाले पाउच में पैक किया जाता है। खाने में कम नमी वाले सूखे खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें नट्स, क्रंच बार और कुकीज जैसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं। इन्हें हमेशा लचीले प्लास्टिक पाउच में पैक करके प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं। इसके अलावा कॉफी बनाने के लिए बस गर्म पानी मिल सकता है। नंबर 7, सिर्फ हमारे ग्रहों में ही चांद नहीं होते, बल्कि छोटे एस्टेरॉयड के भी खुद के चांद होते हैं और ये चांद शूद्र ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने 300 से भी अधिक शूद्र ग्रहों का पता लगाया है जिसके पास खुद के चांद हैं, जबकि कुछ शूद्र ग्रहों के पास दो चांद भी मौजूद हैं। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास चांद है। हमारे सौरमंडल पर लगभग 150 के करीब चांद हैं, जिनमें प्लूटो के पास 5 चांद हैं, जबकि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चांद नहीं है। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की ध्वनि नहीं होती है और न ही ध्वनि तरंगे यात्रा करती है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। आप यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी चिल्लाओगे फिर भी आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है जिससे आवाज़ दूर जा सके। हालांकि स्पेस में एक्सरे और रेडियो तरंगे जरूर होती है। नंबर 5,
अगर आप स्पेस का मतलब खाली जगह समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी जगह है जो धूल, गैस या अन्य कोई कण या रेडिएशन कणों से भरी रहती है। स्पेस एक खोखली जगह नहीं है। तारों और ग्रहों के बीच जो दूरी होती है उसे हम स्पेस कहते हैं। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते ही स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की सीमा चालू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक हमें कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल जाता। पर ये जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है ये एकदम खाली या खोखली नहीं होती। इसमें कई तरह के कण, छोटे पिंड और उल्काएं होती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज और इनके साथ ही अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र भी बने होते हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष जितना सुंदर हमारी सोच में बसता है उतना ही वो वास्तव में खतरनाक है। अगर कोई बिना सुरक्षा उपकरण के वहाँ पर चला जाता है तो केवल 2 मिनट में ही उसकी मौत हो जाएगी और उसका शरीर भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी से बात कर सकते हैं। इधर खाना भी आप सही से नहीं खा सकते। इसका कारण है अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह ग्रेविटी का ना होना। अंतरिक्ष में कोई वातावरण भी नहीं होता। नंबर 3, जिन लोगों को शराब पीना पसंद है वो कभी न कभी सपनों में तो ये जरूर सोचते होंगे कि काश इस दुनिया में शराब के बादल होते तो ये पूरी दुनिया कितनी महान होती। ऐसे सपने देखने वाले को अंतरिक्ष ने निराश नहीं किया है। एक्वेला नाम के तारा मंडल में एथेनॉल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। ये कोई साधारण बादल नहीं है। दरअसल ये बादल हमारे सौर मंडल से 1000 गुना बड़ा है। पर अफसोस ये है कि ये विशाल शराब का बादल शराबियों के लिए सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ लाइट को भी पहुँचने में 10 साल लग जाएंगे। जब तक भविष्य में स्पेस ट्रेवल की कोई तकनीक नहीं बन जाती तब तक ये बादल आपके बस सपने में ही दिखेगा। नंबर 2, वोस्पू 12b, ये अपने ही पेरेंट स्टार को खा सकता है। ये 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया एक गैस का बना ग्रह है जो धरती से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके सारे गुण हमारे सौर मंडल के जुपिटर से मिलते हैं और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार के चक्कर काटता है, लेकिन यह जुपिटर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज्यादा है। वोस्पू 12b अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं। और स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह की चौंकाने वाली बात ये है कि इसका स्टार इसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से ग्रह में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से वोस्पू 12b अंडे के आकार का बनते जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 मिलियन सालों में वोस्पू 12b का पेरेंट स्टार इसे पूरी तरह से खा जाएगा। नंबर 1, J1407b सबसे बड़े रिंग वाला ग्रह है। यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुराना है। J1407b की खासियत इसके रिंग है जो हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही दिखते हैं, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले ये 640 गुना बड़े हैं। इसीलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम दिया गया है। इस ग्रह के रिंग्स इतने बड़े हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर ये ग्रह हमारे सौरमंडल में होता तो आसमान देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे रिंग एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बनी होती है जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है। और अगर एस्टेरॉयड का कोई भी टुकड़ा पृथ्वी से गिर गया तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह ही पृथ्वी से खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।